जी, ये आपकी जो बुक है ना, उसमें मतलब 3 to 4 कॉजेज लिखे हुए होंगे, लेकिन आपके बच्चे वो बिल्कुल बच्चों वाले कॉजेज है। मेरे पास अभी बुक नहीं पड़ी, नहीं तो मैं आपको ना, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, आपकी जीआर और सीआर को मैसेज कर दूंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब ओके हमारा ओके कंप्लीट हो जाएगा ना 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर मैं आपके जीआर सीआर के साथ शेयर कर दूंगी। जुल्फिकार अली भुट्टो चूंकि उस टाइम पे यूएसए में थे, पाकिस्तान में वो मौजूद ही नहीं थे, तो जस्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आए जुल्फिकार अली भुट्टो, और यहाँ पे आकर मतलब पावर जो थी वो जनरल जाहिया खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर कर दी। अब चूंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में माशाल्लाह था, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि पावर जो है वो एक सिविलियन को ट्रांसफर की गई थी, तो माशाल्लाह उसके साथ ही खत्म हो गया था। माशाल्लाह बच्चों खत्म नहीं हुआ था, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज कंसीडर्ड एज अ सिविलियन माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मतलब सिविलियन माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो को जाना जाता था। दूसरी बात ये कि जब जनरल याहिया खान ने पावर जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर की, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के पास दूसरा स्टेटस कौन सा आ गया था? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। अब मतलब होल अथॉरिटी जो थी वो अथॉरिटी जुल्फिकार अली भुट्टो के पास आ गई थी कि अब उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फ्रेम करना है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाना है। तो अपने इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से जो पहला स्टेप लिया गया था, वो पहला स्टेप जो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, मतलब सॉरी नेशनल असेंबली और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनाई थी। अब नेशनल असेंबली कैसे बनाई थी? नेशनल असेंबली जो बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1970, मतलब वेस्ट पाकिस्तान के वो मेंबर्स जो 1970 में एज एमएनएस एंड एमपीएस इलेक्ट हुए थे, तो उन्हीं मेंबर्स को एज मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली चूज किया गया था, और इस तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बनाई गई थी, और फिर एक कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। अब उस कमेटी ने, जो कि मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से बनाई गई थी, तो उस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और फाइनली ऑन 17th of April 1972 को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया था। कब प्रिपेयर मैम किया था? फर्स्ट मैं रिपीट हाँ जी मैं रिपीट करने लगी हूँ 17th of April, 17 अप्रैल 1972 को उस कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है उसे प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद बच्चों उस कमेटी के जो वर्कर्स थे, ये कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने उस ड्राफ्ट पे फर्दर मतलब वर्कआउट करने के बाद, फर्दर उस पे मेहनत करने के बाद, मतलब उस ड्राफ्ट को किसे प्रेजेंट किया गया था? पार्लियामेंट के जो लीडर्स थे, मतलब या मेंबर्स ऑफ मतलब उन लोगों को प्रेजेंट किया गया था। अब जब पार्लियामेंट के लीडर्स को वो कब प्रेजेंट किया गया था, किस डेट को प्रेजेंट किया गया था, तो बच्चों को 20th अक्टूबर 1972 को प्रेजेंट किया गया था। अब मैंने 2 डेट्स आपको बताई है। पहली डेट जो है मतलब 17th of April 1972, ठीक है, 17th of April 1972, उस डेट को बच्चों पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद मतलब उस पर फर्दर वर्कआउट करने के बाद, फर्दर उस पर काम करने के बाद, मजीद उसमें जो बेहतरी लानी थी वो लाने के बाद, उसी ड्राफ्ट को 20th अक्टूबर 1972 को 20 अक्टूबर 1972 को पार्लियामेंट के लीडर्स को प्रेजेंट किया गया था। अब पार्लियामेंट के लीडर्स ने उसे पास कर दिया था, मतलब उस ड्राफ्ट पे साइन कर दिए थे। उसके बाद उस ड्राफ्ट पे विद इन नेशनल असेंबली एंड आउटसाइड नेशनल असेंबली उस पे डिबेट स्टार्ट हो गई थी, मतलब उस पे बहस मुबाइसा स्टार्ट हो गया था। एंड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली अप्रूव दैट ड्राफ्ट और 10th of April 1973, मतलब लंबी बहस मुबाइसे के बाद, लंबी तकरीरों के बाद, मतलब उस ड्राफ्ट पे बहस करने के बाद, फाइनली नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने 10 अप्रैल 1973 को इस ड्राफ्ट को ओके कर दिया था, मतलब अप्रूव कर दिया था। अब 10 अप्रैल 1973 को, 10th ऑफ अप्रैल 1973 को जब मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ने इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया था,
तो उसके बाद इस ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनके पास भेजा गया था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बच्चों 12 अप्रैल 1973 को उसे अप्रूव कर दिया था, मतलब सेम डेट को ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे अप्रूव कर दिया था। फिर फाइनली मतलब दोनों हाउसेस भुट्टो को कब सेंड किया था? 12 अप्रैल को। हाँ जी, 12 अप्रैल, पहले 10 अप्रैल है, फिर 12th है। हाँ जी, 10 अप्रैल को बच्चों नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने अप्रूव किया था, ठीक है। 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने अप्रूव किया था। उसके बाद मतलब उनके अप्रूव करने के बाद इसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा गया था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर 1973 को इसे अप्रूव किया था। ठीक है, समझ आ गई फाइनली मतलब आप क्या? यस मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बोलो। मैम आपने बताया कि सेम डेट भी ना जुल्फकार अली भुट्टो ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ जी, 12 अक्टूबर 1973, 12 अक्टूबर 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे अप्रूव किया था, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अप्रूव किया था। उसके बाद मतलब पार्लियामेंट के मैम आपने पहले 12 अप्रैल कहा है। हाँ जी, 12 अप्रैल मतलब 12 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो के पास भेजा गया था और 12 अप्रैल को ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे अप्रूव कर दिया था। तो मैम फिर 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? और मैम आपने एक दफा अक्टूबर बताया, एक दफा अप्रैल बताया। सॉरी, मैंने अप्रैल अप्रैल मैं गलत बोल रही हूँ। 12 अक्टूबर ये 12 अक्टूबर ये मैं मंथ गलत कर रही हूँ। मैं मतलब 1973। हाँ जी, 12 अक्टूबर 1973, आप लोग मुझे बार बार कह रहे हो, मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। 12 अक्टूबर 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने बच्चों इसे अप्रूव किया था। सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ। मैम दोबारा बताएं। नहीं, मैंने दोबारा से आपको डेट्स बताती हूँ, आप लोग मिक्सअप ना करें। असल में मैंने मिक्सअप इस वजह से किया कि अभी मेरी मॉर्निंग की क्लास खत्म हुई है, फिर अभी फौरन ही मैंने आपके शुरू कर दिया, तो मेरा दिमाग जब थोड़ा सा थका हुआ है, लेकिन अब मैं मेंटली प्रेजेंट रहने की कोशिश करती हूँ। मैं डेट्स बच्चों रिपीट करने लगी हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो डेट बताई है वो 17 अप्रैल 1972 को पहला ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद मतलब जब वो ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया था तो उसके बाद उस पर फर्दर वर्कआउट करने के बाद वो ड्राफ्ट जो है वो लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट को कब प्रेजेंट किया गया था? 20 अक्टूबर 1972 को उन लोगों को प्रेजेंट किया गया था, 20 अक्टूबर 1972 को, 20 अक्टूबर 1972 को। तो उसके बाद उन लोगों ने उसे अप्रूव किया था, मतलब उसे साइन किया था। उसके बाद बच्चों उस ड्राफ्ट पे लॉन्ग डिबेट्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब बहस मुबाइसा स्टार्ट हो गया था। और ये बहस मुबाइसा जो है, लॉन्ग डिबेट्स जो है, ये विद इन नेशनल असेंबली और आउटसाइड नेशनल असेंबली स्टार्ट हो गई थी। तो उस बहस मुबाइसे के बाद नेशनल असेंबली ने 10 अप्रैल 1973 को इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया था, 10 अप्रैल 1973 को। अब नेशनल असेंबली के अप्रूव करने के बाद उसी ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा गया था, जो कि 12 अक्टूबर 1973 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अप्रूव किया था। मैम वैसे 1973 एक मिनट, तो सारी आप लोग मुझे 5 मिनट्स दे सकते हो? यस यस मैम, ठीक है, ओके मैम। हाँ, आप लोगों ने जितना भी लिखा है इसे एक दफा क्रॉस करें, मैं पानी पी लूं, मैं फ्रेश हो जाऊं, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे, मैं बस पानी पी के भी आई। ओके मैम, ओके मैम, तमाम डेट्स को क्रॉस कर दे, मैं गलत बोल रही हूँ, क्रॉस कर दे तमाम डेट्स, मैं अभी आई। चेंज करती हूँ अपनी, एक मिनट है।
फिर मेरे इस साइड पे लाइट का इशू है और इसकी चार्जिंग जो है जो अब खत्म होने वाली है, तो मैं चार्जिंग पे लगा दूँ इसे। हाँ जी बच्चों, आपने ये आवाज क्लियर आ रही है या अभी नहीं आ रही? क्लियर आ रही है मैम। चले सॉरी, मैंने इतना मतलब आप लोगों का डिले वो मतलब इतना थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस भी आप कह सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब नहीं गलत होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान या एज अ सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो कब संभाली थी? इन 1971 जनरल याहिया खान ने पावर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर कर दी थी। अब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पावर में आते ही जो सबसे पहला काम था वो सबसे पहला काम क्या था कि सबसे पहले तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो मतलब उन मेंबर्स को अलग किया गया था जो मेंबर्स जिन्होंने मतलब वेस्ट पाकिस्तान में से 1970 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और जो जीते थे, तो उन्हीं मेंबर्स को मतलब उन्हीं MNAs को एज अ नेशनल असेंबली, एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली चूज किया गया था। उसके अलावा जो दूसरा काम किया गया था बच्चों वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनाई गई थी और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है, मतलब पाकिस्तान का जो आईन है वो बनाना है। तो उसे मतलब उस कमेटी ने, जो कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट 17th of April 1972 को नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया था, अपना जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया था। ठीक है, 17th of April 1972 को अपना पहला ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया था। अब उस कमेटी ने मतलब फर्दर उस टाइम पे ड्राफ्ट तो हमारा प्रिपेयर हो गया था, लेकिन अब उस पे फर्दर वर्कआउट करने के बाद, मजीद मेहनत करने के बाद जो ड्राफ्ट दोबारा उस पे काम किया गया था, तो उस ड्राफ्ट को लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट को 20th of October 1972 को प्रेजेंट किया गया था। 20th of October 1972 को ये ड्राफ्ट जो था ये पार्लियामेंट के लीडर्स को प्रेजेंट किया गया था और उन लीडर्स ने उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया था, मतलब उसे साइन कर दिया था। अब उन के साइन करने के बाद, उनके अप्रूव करने के बाद उसी ड्राफ्ट पे डिबेट्स स्टार्ट हो गई थी और वो डिबेट्स जो थी बच्चों विद इन नेशनल असेंबली और आउटसाइड नेशनल असेंबली स्टार्ट हो गई थी। एंड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन नेशनल असेंबली गेव अप्रूवल ऑन 10th of April 1973, मतलब लंबी बहस मुबाइसे के बाद मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ने उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया था। और कब अप्रूव किया था बच्चों? 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव कर दिया था। अब मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट के जो लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने 20 अक्टूबर 1972 को मतलब इसे प्रेजेंट किया गया था उनके सामने और उन्होंने अप्रूव किया था। अब अक्टूबर के बाद 6 माह गुजरने के बाद जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली थे उन्होंने 10th of April 1973 को इसे अप्रूव कर दिया था। अब 10th April 1973 को जब अप्रूव किया गया था तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे 12th of April 1973 को अप्रूव किया था या ओके कर दिया था। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव करने के बाद बच्चों फाइनली इस ड्राफ्ट को 14th ऑफ अगस्त 1973 को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बच्चों अब आपको मिक्सअप हुए क्योंकि अब मैंने बहुत ठीक बोला है, सोच समझ के बोला है। यस मैम, क्लियर है? मैम क्लियर है? हाँ जी, वो इतना वो आप बोले मुद्दा से। हाँ जी इकरा, इकरा बोले बोले दोबारा बोले। मैम फाइनली अप्रूव कब हुआ था? 14 अगस्त 1973, 14th of August 1973 को फाइनली मतलब इसे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। ओके मैम, वो जब प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो किया था अप्रूवल डेट रिपीट कर दें।
कौन सा आपने बच्चे पूछी है डेट दोबारा से बोले? मैम वो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया था इससे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों इससे, हाँ जी 12th अप्रैल 1973 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे अप्रूव किया था। ओके मैम। हाँ जी बॉयज, आप लोगों को कोई इशू कोई डेट समझ ना आई हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम समझ आ गई मैम। शुएब ने इतनी मुद्दा सी आवाज में, नहीं मैम आ गई है, चले ठीक है शुएब, अच्छी बात है। हाँ जी कौन पूछ रहा था? मैम ये जो पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यशा खान थे ना, जनरल यशा खान, हाँ जी जनरल जाहिया खान थे, और उसके बाद मतलब पावर जो थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंड ओवर कर दी गई थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो एज ए सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने आए थे, मतलब चार्ज जो है वो उन्होंने ऐसे संभाला था। ओके मैम। मैम मैं विदाउट एंट्री यूज कर रहा हूं तो इसलिए वॉइस कम आ रही है। अच्छा मुझे लगा कि शायद आप ना वो थोड़े से परेशान हुए बैठे हो। कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट ने सिर्फ दो दिन के गैप से अप्रैल के महीने में ही कर दिया था ना अप्रूव। हाँ जी सिर्फ दो दिन के गैप से, नेशनल असेंबली ने 10 अप्रैल 1973 को किया था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने 12 अप्रैल 1973 को किया था। ओके मैम। ओके अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया था इसे 14th ऑफ अगस्त 1973 को, तो जुल्फिकार अली भुट्टो was considered as the Prime Minister of Pakistan, while Fazal Ilahi was considered as President of Pakistan. मतलब क्या है इस बात का कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, जबकि फजल इलाही जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, मतलब ज्यादा अथॉरिटी जो थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने पास रखी थी, खुद प्राइम मिनिस्टर बने थे और फजल इलाही को एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान चूज किया गया था। अब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बच्चों डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट फीचर जो है हमारा वो है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज आल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब ये भी रिटन फॉर्म में ही था, ओरल फॉर्म में नहीं था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स थे और 280 आर्टिकल्स थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला फीचर मैंने आपको क्या बताया? मैम ये रिपीट कर दें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास फाइका आपने क्या पूछा है बच्चे? मैंने कहा कि 218 थे कि 280 थे? 280, 280। ओके मैम। मैम 218 आर्टिकल्स थे और 12 क्या थे? 12 इसके पार्ट्स थे बच्चों, 12 इसके पार्ट्स थे और 280 जो थे वो इसके आर्टिकल्स थे। ओके अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, कि जिस तरह पिछले कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 19, तो इसी तरह तैमूर आप अपने माइक को म्यूट करो। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया था। इसे ऐड करने का मतलब क्या था कि इस्लाम को स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया था, कि पाकिस्तान का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के में जितने भी लॉज होंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, वो सब के सब इस्लाम के अकॉर्डिंग भी होंगे, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बच्चों आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay. उसके बाद थर्ड फीचर है बच्चों हमारा इस्लामिक सिस्टम, और इस्लामिक सिस्टम में ये है बच्चों के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोविजंस को ये कोशिश की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के जो फीचर्स हैं वो किस चीज पे बेस कर रहे हो, वो इस्लाम पे बेस कर रहे हो। मतलब इस्लामिक प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में एड किया गया था।
मतलब क्या है कि इस बात को डिक्लेयर किया गया था, इंश्योर करवाया गया था लोगों को कि पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पाकिस्तान के तमाम रूल्स जो हैं, तमाम लॉज जो हैं, वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली होंगे, इस्लाम के ऑपोजिट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमने जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं वो उनमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो था, वेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 जो था उसे आप सेमी रिजिड भी कह सकते हो या सेमी फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो, मतलब उसमें चेंज इजिली पॉसिबल था। बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है बच्चों वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली चेंज नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कौन सी कंडीशन फिक्स की गई थी, कौन सी शर्त रखी गई थी, तो वो बच्चों ये थी कि पाकिस्तान के बोथ हाउसेज जो है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब जो सेनेट और नेशनल असेंबली के 2/3 मेजोरिटी जो है, अगर किसी भी अमेंडमेंट को फेवर करती है, किसी भी अमेंडमेंट को सपोर्ट करती है, तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल है। अगर 2/3 मेजोरिटी जो है वो इसे फेवर नहीं करती, तो वो अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। समझ आई? यस मैम, यस मैम, यस मैम। बच्चों आपको, बॉयज आपको समझ आई? यस मैम। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं रिपीट करने लगी हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आई। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों, इसकी जो नेचर थी वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब इस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे था कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में इजिली चेंज या इजिली अमेंडमेंट नहीं कर सकती। कंडीशन क्या फिक्स की गई थी कि मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब आपके जो सेनेट के मेंबर्स हैं और आपके जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, तो दोनों हाउसेस के 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स जो है, मतलब 2/3 मेंबर्स फ्रॉम सेनेट एंड 2/3 मेंबर्स फ्रॉम नेशनल असेंबली, तो वो अगर किसी अमेंडमेंट की फेवर को फेवर में उसे मतलब सपोर्ट करते हैं या उसे फेवर करते हैं, तो वो अमेंडमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर 2/3 मेंबर्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करते, तो वो अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों अली, आपने लीव कर लिया? पूछ रहे हो अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस अभी आपकी नहीं हुई, ठीक है मैम? मैं लेट हो गया था इसलिए पूछ रहा, सॉरी। ओके ओके, चलो कुछ नहीं होता, अभी अटेंडेंस नहीं हुई आपकी। ओके, फोर फीचर्स हमने डिस्कस कर किए हैं बच्चों, अब फिफ्थ फीचर हम डिस्कस करने लगे हैं, और फिफ्थ फीचर है हमारे पास फेडरल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फेडरल सिस्टम को देखते हैं कि फेडरल सिस्टम या फेडरेशन होती क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में फेडरल सिस्टम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और फेडरेशन में क्या था? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मतलब एक आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, तो ये आपकी फेडरल फेडरेशन में शामिल होती है। अब फेडरल गवर्नमेंट को मतलब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, वाइल हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। अब हेड ऑफ स्टेट जो है, मतलब आपका जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट कौन करता है? उसे बच्चों आपके जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी एडवाइस पे आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज करते हैं। समझ आई मैम? रिपीट करते हैं मैम, रिपीट करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया फेडरल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम को डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा। जीआर और सीआर, आप दोनों में से जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बच्चे जब क्लास की अटेंडेंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी ना, तब आपने कर लेना है, ठीक है? स्क्रीन शॉट ले लेना है। तो पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा। अब फेडरल सिस्टम में या फेडरेशन में क्या चीज थी? तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अलावा जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो ये आपकी फेडरेशन में इंक्लूड होती थी, ये शामिल होती थी, ठीक है? एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसके बाद जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, वो आपकी फेडरेशन में शामिल होती है। अब आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपका प्रेसिडेंट, वेल हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा।
अब हेड ऑफ स्टेट जो है वो चूज कैसे होता है, उसे सिलेक्ट कैसे किया जाता है? अच्छा, हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं, और फिर मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी एडवाइस पे आपके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस पे चूज करते हैं? वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की एडवाइस पे आपके प्रेसिडेंट को चूज करता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन आपके रेगुलर क्लास वालों ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं खुद से ही आपको बता रही हूँ कि उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर का तो जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है, तो प्रेसिडेंट भी मतलब उसके साथ ही उसका भी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो बच्चों प्रेसिडेंट जो होता है उसका टाइम पीरियड मतलब तब खत्म होता है। अब जैसा मतलब आप लोग रिसेंट गवर्नमेंट को देखो, तो रिसेंट गवर्नमेंट में आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, पिछले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, नवाज शरीफ और उसके बाद सदर ममनून खान, शायद खाकान अब्बासी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा दिमाग जो है ना वो सब बिल्कुल खत्म हुआ हुआ है, ठीक है, थका हुआ बहुत ज्यादा, सुबह से मैं लगातार बोल रही हूँ। तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब न्यू इलेक्शन हुए थे तो उनके बाद मतलब शायद खाकान अब्बासी की जो मतलब एक उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी, और इस तरह हमारे न्यू जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने जब वो मतलब उनकी जब सेरेमनी हुई थी और उसमें जब उन्होंने वो हेल्प लिया था, तो वो किससे लिया था? ममनून हुसैन से, ठीक है? मतलब ममनून हुसैन ने उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर की थी, तो उसके बाद मतलब ममनून हुसैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई थी और फिर हमारे न्यू प्रेसिडेंट आए थे आरिफ अलवी। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने इस बात को याद रखने, जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपकी है तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। कोर्स में बस आपका यही इंक्लूड है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है या कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? मैम हेड ऑफ स्टेट को तो चूज करते थे पार्लियामेंट के मेंबर्स, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट तो कौन चूज करता था? हाँ जी, चले ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करते हैं? इमरान खान को हम लोगों ने चूज किया था, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। हाँ जी मार्के, आपने ठीक बताया। अवैस आप क्या कहते हो? मैम वो आपने पहले मिक्सअप कर दिया था, आप पहले कह रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करता है, वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था कि प्राइम मिनिस्टर को तो जस्ट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट करते हैं ना। वो मैंने मिक्सअप कर दिया था, सॉरी, मैंने बोलना प्रेसिडेंट था, लेकिन वो मैंने फिर उसके साथ ही फॉरन में उसे ठीक भी तो कर दिया था। जी उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। हाँ नहीं, वो फिर मैंने फॉरन ही ठीक भी कर दिया था, मैंने मिक्सअप किया था और मैंने फॉरन ही ठीक कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर को बच्चों आपकी जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं ना, ठीक है, आपके जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चूज कर रहे होते। वैसे था तो सबके माइंड में यही, हाँ जी यही माइंड थी, बात थी हमारे माइंड्स में कि इमरान खान ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि मेजोरिटी मतलब उनकी पार्टी के पास लीड थी, तो मतलब फिर भी उसके अलावा आप लोग देखते, शायद आप लोगों ने देखा हो कि नेशनल असेंबली में वो पूरा एक मुकाबला हुआ था वोटिंग का सारा, और उसके बाद फिर इमरान खान जो है वो इलेक्ट हुए थे, मतलब उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिए गए थे और उसके बाद फिर इमरान खान को चूज किया गया था या इलेक्ट किया गया था, जो भी आप कह सकते हो। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई बात, 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कोई प्रॉब्लम अवैस आपको, शुएब आपको, या जो बाकी बच्चे हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस वजह से जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है मैम? ओके, हाँ जी मुनीबा आप क्या कह रहे हो बच्चे? दोबारा बता दें कि हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को कौन कौन सिलेक्ट करता है, ये कंफ्यूजन होगी इसमें। ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, आप अपनी नाम करें। उस्मान आपने कोई बात पूछनी है बच्चे? मैम ये प्रेसिडेंट की डेट बता दें कि ये कब तक रहता है। प्रेसिडेंट की डेट को क्या मैं आपको बताऊं? मतलब ये कितने साल रहता है प्रेसिडेंट?
ओके 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 चले, पहले मैं आपको आपका पहले वाला क्वेश्चन अभी गर्ल्स में से किसी ने पूछा है, तो बच्चे हेड ऑफ आपका हेड ऑफ स्टेट जो है ठीक है, उसे आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चूज करते हैं ठीक है, और मतलब आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर को उसके में आपके प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है ऐड होते हैं, मतलब शामिल होते हैं, इसके अलावा जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है तो ये सब मिलके आपके प्रेसिडेंट को चूज कर रहे होते हैं। अच्छा अब इसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों आपको कौन चूज करता है, प्राइम मिनिस्टर को जो आपके मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं ठीक है, वो मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपने इन्हें मिक्सअप नहीं करना, सॉरी मैं एक दफा गलत बोल की थी लेकिन उसके साथ ही मैंने करेक्शन भी कर ली थी, तो शायद आपने मेरे करेक्शन किसी आपको समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर को हमारे जो MNAs होते हैं वो चूज कर रहे होते हैं, मतलब लोअर हाउस वाले आपके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो इसमें बच्चों मतलब ये होता है कि आपकी वो एक तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, अब जिस तरह मतलब अब रिसेंट सिचुएशन में ये हुआ है कि इमरान PTI के पास इतनी ज्यादा सीट्स नहीं थी, मतलब डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो उसके बाद मतलब इस सिचुएशन में दो तीन हमारे पास दो मतलब आ गए थे, तो उसके बाद फिर उनमें से जाके इमरान खान को चूज किया गया था, इमरान खान को इलेक्ट किया गया था। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान को ना मतलब सपोर्ट करती, PTI को ना सपोर्ट करती, तो शायद ये प्रोसीजर जो था ये और भी डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन उनके सपोर्ट करने के बाद इमरान खान जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चूज हुए हैं। ओके अब उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है, तो बच्चों प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड या प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो भी 5 इयर्स होते हैं, लेकिन जिस तरह मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर जो होता है कि उसका टाइम पीरियड जैसे ही मतलब उसके 5 इयर्स कम्प्लीट होते हैं उसके गवर्नमेंट के, तो वो मतलब उसके बाद न्यू इलेक्शन होते हैं, सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट करवाया जाता है, लेकिन जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाता, चूज नहीं हो जाता और उससे पावर्स ट्रांसफर नहीं की जाती, तब तक आपका जो प्रेसिडेंट है वो पावर में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को पावर ट्रांसफर करने के बाद आपका जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर को पावर शिफ्ट करने के बाद या पावर ट्रांसफर करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है तब जाके उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होता है, लेकिन टेन्योर जो है वो दोनों की 5 इयर्स है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि प्रेसिडेंट को आप लोग 6 इयर्स कर दो और प्राइम मिनिस्टर को 5 इयर्स कर दो, टाइम पीरियड दोनों का ही 5 इयर्स है। मेरी बात की समझ आई? यस यस मैम, यस मैम, यस मैम, आपको समझ आई? यस मैम। मैम ये जो आपने बताया कि प्रेसिडेंट जो है उसका भी 5 इयर्स होता है, लेकिन जब तक वो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक पावर इसी के पास रहती है, लेकिन फिर वो जब प्रेसिडेंट न्यू सिलेक्ट होता है उसके पास पावर शिफ्ट होने के बाद फिर ये इसका टाइम पीरियड खत्म होता है। मुनीबा आप फिक्स कह रहे हो, मैंने आपको ये बताया कि ठीक है अब हम बिल्कुल आसान लफ्जों में बात करते हैं, कोई हम इंग्लिश में कोई लफ्ज भी नहीं हमने इस्तेमाल करना, ठीक है। अब देखो कि एक आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, एक आपके पास प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब मतलब आपका जो दोनों की जो है मतलब मुद्दत है गवर्नमेंट की वो दोनों की 5 साल है, ठीक है। दोनों ने मतलब 5 साल तक आप पे रूल करने है, गवर्नमेंट करनी है। अब 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। आप 5 साल पूरे हो गए लेकिन आपका जो हेड ऑफ स्टेट है मतलब जो आपका प्रेसिडेंट है उसने पावर में ही रहना है, ठीक है, उसने वहां पे ही रहना है, जस्ट आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने साइड पे हो जाना है। अब इलेक्शंस होंगे, अब इलेक्शंस जो करवाए जाएंगे उनकी बेस पे मतलब आपकी न्यू नेशनल असेंबली बनेगी, ठीक है, न्यू प्रोविंशियल असेंबली आपकी बनेगी। अब जब आपकी न्यू नेशनल असेंबली बन गई तो वहां से मतलब फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाएगा, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबर्स जो है वो नेशनल असेंबली में ज्यादा होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी में से मतलब उसके हेड को ही किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसे ही मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर या जिससे ज्यादा सपोर्ट किया जाए, चले आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि जिससे ज्यादा सपोर्ट किया जाए वो आपका प्राइम मिनिस्टर चूज हो जाता है, मतलब मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चूज करते हैं। अब ऑब्वियसली किसी ने प्राइम मिनिस्टर को आगे पावर्स तो शिफ्ट करनी है ना, पावर तो उसे ट्रांसफर करनी है, अथॉरिटी उसे देनी है, तो वो आपका प्रेसिडेंट होगा, मतलब जो आपका हेड ऑफ स्टेट है
तब वो मतलब एक सेरेमनी करवाई जाती है, एक तकरीब होती है जहां पे आपका प्रेसिडेंट आता है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर से हल्फ लेगा, उससे मतलब वो सारा जो रिपीट करवाई जाती है, जो हल्फ लिया जाता है वो उससे लेगा, और उसके बाद मतलब आपका जो है वो न्यू प्रेसिडेंट आएगा, वहां तक आपका वही पुराना प्रेसिडेंट जो है वो रहेगा, ठीक है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो हल्फ ले लेगा, मतलब तमाम जो उसने वो बातें करनी होंगी वो कर लेगा, तो उसके बाद मतलब फिर न्यू प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है, वहां तक आपका वही पुराना प्रेसिडेंट जो है वो चलता है। ओके मैम, आगे समझ मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले अवैस बोले। मैम जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं होता उनको मुत्तल कर दिया जाता है, और उसके बाद उनकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का कौन मतलब रोल प्ले करता है? बच्चे वो चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है, सेनेट का, अगर हाँ जी सेनेट का जो चेयरमैन होता है ना, ठीक है, वो आपका मतलब इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी, तो उसके मतलब या कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उसमें जो आपका चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब जो अथॉरिटी है वो के पास आ जाती है। मैम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें जो हमारे पास गवर्नर और वजीर आला होते हैं, इनकी कितनी कितनी टाइम पीरियड होता है और इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इनका बच्चे सेम टाइम पीरियड है, ठीक है, 5 years जो है वो टाइम पीरियड है। सेनेट के मेंबर्स जो है उनका बच्चे टाइम पीरियड जो है वो 6 years है, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल बात बता रही हूँ, सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 years है, ठीक है, लेकिन जो आपके नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन सब का जो टाइम पीरियड है वो 5 years है। 5 years से ज्यादा उनके किसी का भी टाइम पीरियड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो सेनेट के आपके मेंबर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 years होता है। मैम प्रेसिडेंट से हेल्प कौन लेता है? ये मैं देख के आपको बताती हूँ। ओके बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मैम जी, जो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं उन्हें सिटीज आप चूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है अब आपको या अभी नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, अब आप लोग, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को पहले आंसर कर दूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को बच्चों हम लोग चूज करते हैं ना, पूरा मतलब वोटिंग का जो प्रोसीजर होता है, तो उसमें हम MNS को भी और MPS को भी, मतलब मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को भी और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को भी। हम लोग चूज करते हैं, मतलब सिटीजंस ऑफ, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट से ओथ कौन लेता है, प्रेसिडेंट से हेल्प कौन लेता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओथ लेता है, वो हेल्प लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं, या आपका कोई और क्वेश्चन भी है? हाँ जी मारवा, आप बोलो, कोई क्वेश्चन है आपका बच्चे? नो मैम। मैम हाँ जी बोले बच्चे। मैम जो आपने पैथ 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है और 73 का रिजिड है, लेकिन कंडीशन दोनों में सेम है कि 2/3 मेंबर्स हैं वो अमेंडमेंट कर सकते हैं? उसमें ये था ना कि 1956 में आपका सिर्फ वन हाउस था, ठीक है, आपका यूनिकैमरल सिस्टम था, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बाइकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, मतलब आपके 2 houses थे, ठीक है, उसमें मतलब एक हाउस ने अगर आपको अप्रूव कर दिया फाइनल, ठीक है, अमेंडमेंट हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में आपके पास 2 houses हैं और उन 2 houses के मेंबर्स ने अप्रूव करना है, उसके बाद अमेंडमेंट होनी है। मेरी सब बच्चों को क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब हम बच्चों नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करने लगे हैं, और नेक्स्ट फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जिसका मतलब हम लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब जो ज्यादा अथॉरिटी थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी,
बट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बच्चों क्या होता है कि प्रेसिडेंट वाज कंसीडर्ड एज हेड ऑफ स्टेट व्हाइल प्राइम मिनिस्टर वाज कंसीडर्ड एज हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में आपके कौन क्या होता है कि पार्लियामेंट में आपके दोनों हाउसेस होते हैं, आपका अपर हाउस भी होता है, आपका लोअर हाउस भी होता है, ठीक है. तो उन दोनों को जो हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है. अब प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कैसे किया जाता है वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जो टेन्योर होती है वो आपकी 5 ईयर होती है. और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट में सॉरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज वाइड पावर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. जो सुप्रीम अथॉरिटी जो है ये बहुत ज्यादा पावर जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई थी. उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर. तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान में जो मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो था उसे एस्टेब्लिश किया गया था पाकिस्तान में. अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर में बच्चे क्या होता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस मीन सेनेट एंड योर नेशनल असेंबली, योर अपर हाउस एंड योर लोअर हाउस. अब इसमें सेनेट के जो मेंबर्स हैं जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था तो उस टाइम पे बच्चों सेनेट के जो मेंबर्स थे वो 63 मेंबर्स थे वाइल नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो 207 मेंबर्स थे. अब ये जो दो मेंबर्स थे अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स अब ये जो मेंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं ठीक है एक के 63 एक के 207 जो मेंबर्स थे इन्हें आप लोग देखो कि पाकिस्तान के मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस हैं ठीक है तो उसमें मतलब इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या कैसे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है. तो पहले हम अगर नेशनल असेंबली को देखें तो नेशनल असेंबली में बच्चों सॉरी सर क्या बोला एक मिनट मैं अपनी बात कर लूँ उसके बाद फिर आप लोगों से मैं पूछ लूंगी आप लोगों के जो क्वेश्चन है. तो नेशनल असेंबली के जो बच्चों मेंबर्स हैं मतलब उसमें जो सीट्स रिजर्व की जाती है नेशनल असेंबली में तो उसमें पॉपुलेशन वाइज मतलब सीट्स दी जाती है ठीक है. जिस तरह मतलब अगर एक सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी जो सीट्स है नेशनल असेंबली में ज्यादा होंगी मतलब ज्यादा रिजर्व की जाएंगी. तो जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी सीट्स नेशनल असेंबली में ज्यादा होंगी जबकि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तमाम प्रोविंसेस को ठीक है. मतलब तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेनेट में दी जाती है. ये डिफरेंस आपने याद रखना है. नेशनल असेंबली में बच्चों मतलब पॉपुलेशन वाइज सीट्स फिक्स की जाती है सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तमाम प्रोविंसेस को. इस बात को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है. दूसरी बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था तो उस टाइम पे सेनेट के जो मेंबर्स थे बच्चों वो 63 मेंबर्स थे ठीक है और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो 207 मेंबर्स थे. पहले 200 थे लेकिन बाद में फिर उन्हें 207 कर दिया गया था. तो इस तरह से दोनों हाउसेस के इतने मेंबर्स थे. बच्चों आपको समझ आई है ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए. एक मैंने किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा मैंने आपके साथ किया बाइकैमरल लेजिस्लेचर. जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो उसके बाद फिर हम करते हैं. मैम बाइकैमरल वाला रिपीट कर दो. मैम बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाला रिपीट कर दे. बाइकैमरल लेजिस्लेचर में बच्चों दोबारा से मैं रिपीट करने लगी हूँ. बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था मतलब एस्टेब्लिश किया गया था आप कह सकते हो सॉरी क्रिएट किया गया था. बाइकैमरल सिस्टम में आपके टू हाउसेस होते हैं. इट मींस के बाइकैमरल सिस्टम में आपके जो पार्लियामेंट है वो किस चीज पे बेस कर रही होगी आपके टू हाउसेस पे बेस कर रही होगी. एक आपका अपर हाउस एक आपका लोअर हाउस मतलब आपकी सेनेट और आपकी नेशनल असेंबली. अब ये आपके टू हाउसेस हो गए बाइकैमरल सिस्टम में. अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो है आपके जो एमएलएज है मतलब किस तरह से सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस नेशनल असेंबली में तो वो बच्चों पॉपुलेशन वाइज की जाती है मतलब आबादी के लिहाज से की जाती है ठीक है. अब जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो कि पंजाब की जो आबादी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस तो नेशनल असेंबली में बच्चों पंजाब की जो सीट्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर मतलब बाकी सूबों के मुकाबले में पंजाब की सीट्स जो है वो नेशनल असेंबली में ज्यादा है.
वाइल इन सेनेट, सेनेट को अगर आप लोग देखो तो सेनेट में बच्चों इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तमाम प्रोविंसेस को. दूसरी बात यह कि सेनेट के मेंबर्स को कैसे चूज किया जाता है. नेशनल असेंबली के मेंबर्स को तो हम लोग डायरेक्टली चूज कर रहे होते हैं ना, मतलब हम लोग वोट दे रहे होते हैं तो हमारे एमएलएस जो होते हैं वो चूज हो रहे होते हैं. तो सेनेट के मेंबर्स को कैसे चूज किया जाता है? मैम इन्हें इनडायरेक्टली चूज किया जाता होगा, यानी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट चूज करता होगा. कोई और बच्चा, कोई मतलब बॉयज में से अगर किसी बच्चे को पता है, गर्ल्स को नहीं पता तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम आ रही है. ये मैम आप मुझे ये बताएं कि सेनेट के मेंबर्स को कैसे चूज किया जाता है. चले आप लोग अगर नहीं मुझे बता रहे तो इतना मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी. हिंट मेरा आपको ये है कि सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो आपके प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो जिस तरह पंजाब की असेंबली होगी, सिंध की असेंबली, बलोचिस्तान की, तो उनमें से चूज किया जाता है जो आपके सेनेट के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, आपके प्रोविंशियल असेंबली में से उन्हें चूज किया जाता है. अब मतलब फर्दर प्रोसीजर जो है, उन्हें चूज कौन करते हैं, इलेक्ट कौन करते हैं, ये मैंने आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछना है. पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन मेरे समझ आ गया सब बच्चों को? और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो इस वजह से मैंने आपको दिए कि आप लोग थोड़ा सा इसे खुद रीड करने की कोशिश करोगे. मेंबर्स आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट वाले बताया कि जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो उस टाइम पे सेनेट के मेंबर्स बच्चों 63 थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स शुरू में 200 मेंबर्स थे लेकिन बाद में 207 कर दिए गए थे. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करने लगे हैं, और नेक्स्ट फीचर है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस. अब जिस तरह मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में हमने देखा था कि उसमें इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस को पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंडर डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस को पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था. मतलब क्या है कि आपके जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है, आपके जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, उन्हें डायरेक्टली हम लोग सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू. मतलब हम लोग उन्हें खुद से ही चूज कर रहे होते हैं. अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, आई थिंक मुझे फर्दर इसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा. क्या ख्याल है आप लोग का? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट्स में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास. मतलब हर चीज से बालातर होकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में इस बात को डिक्लेयर किया गया था कि जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे, उस पर कोई भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी. अब फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से बच्चों राइट्स शामिल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. मतलब एक आदमी की हिफाजत, उसकी जो सिक्योरिटी होती है, वो सबसे अहम और बुनियादी राइट है, बेसिक राइट है. इसके अलावा बच्चों डिफरेंट राइट्स जो है उनमें मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपका, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किस तरह अपने रिलीजन चूज करते हो, और इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में इस बात को इंश्योर करवाया गया था, मतलब यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये तमाम जो बेसिक राइट्स हैं ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबर दिए जाएंगे, किसी भी तरह के मतलब किसी भी किस्म की कोई भी ज्यादती किसी के साथ नहीं की जाएगी. क्लियर बच्चों? यस मैम. ओके यस मैम. ओके, अब इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी.
तो अब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस बात को क्लियर किया गया था कि जुडिशरी जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट होगी, पाकिस्तान के किसी भी राइट नहीं होगा कि वो जुडिशरी के मैटर्स में इंटरफेयर करे। बच्चे सिर्फ एक मिनट मुझे दें, मेरी कॉल आ रही है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, एक मिनट सिर्फ मुझे दें। ओके मैम। हम लोग जुडिशरी के पॉइंट को बच्चों डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि जुडिशरी जो है वो अपने तमाम डिसीजंस में फ्री होगी, मतलब किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के पास ये उसे नहीं ये दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी कि वो डिसीजन के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्हें कौन चूज करता है या कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान के जजेस को अपॉइंट करता है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात यह है कि अगर आप लोगों ने गौर किया, और मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंट से ओथ कौन लेता है, प्रेसिडेंट से हेल्प कौन लेता है? चीफ जस्टिस मैम। चीफ जस्टिस। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कि पाकिस्तान के जजेस को उसने अपॉइंट करना है। तो मतलब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ये है कि एक ने एक को चूज करना है, ठीक है, जब चीफ जस्टिस हल्फ ले लेंगे उसके बाद उनकी जो उसके बाद मतलब जब उनका टाइम पीरियड पूरा होगा, उनकी जो जॉब की लिमिट है वो पूरी होगी, तो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। मिक्सअप तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। मैम दोबारा बताइए। मैम 1962 इसको प्रेसिडेंट ही नहीं था करता इलेक्ट? 1962 में तो सारी अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के पास थी ना, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। मैम मैंने आपको ये बताया, आपने कहना कि दोबारा बताया, मैंने आपको ये बताया कि पहले मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट से ओथ लेते हैं, उसके बाद मतलब जब उसके टाइम रिजाइन जब करता है, ठीक है, जब मतलब उसका टाइम पे जॉब की टाइम लिमिट जो होती है वो खत्म हो जाती है चीफ जस्टिस की, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि वो न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करने लगे हैं, और नेक्स्ट फीचर है हमारा नेशनल लैंग्वेज। तो मतलब पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में आपने देखा था कि पाकिस्तान में टू नेशनल लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किया गया था, ये टू लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, लेकिन अब चूंकि कंडीशन जो थी वो टोटली डिफरेंट थी, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था, तो इसलिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और इंग्लिश जो है सेम मतलब उसका जो स्टेटस था वो सेम था कि ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, मतलब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रखा गया था और उर्दू जो है उसे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल पॉइंट आ रहा है, मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह आप सब बच्चे बहुत ज्यादा समझदार और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, और हमारा पॉइंट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। पॉइंट क्या हमारा, सिंगल सिटीजनशिप। अब इसमें मतलब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस बात को डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान के जो शहरी है, जिस तरह हम मैं और आप सब हम सब जो है हम लोगों के लिए जरूरी था कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप हो। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि इस सिंगल सिटीजनशिप का बच्चों मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग अब सरगोधा में रह रहे हैं या पंजाब के डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा कि हमारे पास सरगोधा की या पंजाब की भी सिटीजनशिप हो और पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप हो। मतलब क्या है मेरी बात का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहते हो, मतलब पंजाब में, सिंध में, NWFP बलोचिस्तान, जहां पे भी, आजाद कश्मीर, जहां पे भी हम लोग रहते हो, ठीक है, कोई भी इलाका हो, आजाद कश्मीर को सॉरी हम साइड पे कहते हैं, पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं और पाकिस्तान के जो सेंटर है मतलब इस्लामाबाद, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिटीजनशिप होगी। हमारे पास ये नहीं होगा कि हमारे पास पंजाब की सिटीजनशिप अलग से हो और पाकिस्तान की सिटीजनशिप अलग से हो। तो ये मतलब है सिंगल
सिटीजनशिप का कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिटीजनशिप होगी, तो इस बात को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। समझ आइए, ये मैं रिपीट करूँ। मैम आ गई समझ। बॉयज आपको समझ आइए? मैम हाँ जी, अवैस बोले। ये सिटीजनशिप तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोविंस की सिटीजन मतलब होनी चाहिए या हमारे पास पाकिस्तान की, डिफरेंट प्रोविंसेस की, हम पंजाब में रहते हैं हमारे पास पंजाब की सिटीजनशिप है, और जो सिंध वाले हैं उनकी अपनी सिटीजनशिप। नहीं, क्या? अच्छा हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान की और पंजाब की मतलब एक प्रोविंस की और फिर साथ कंट्री की, ये सिटीजनशिप इसमें कैसे है? आपको अवैस मेरी बात की समझ नहीं आई। मैंने आपसे ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास पंजाब की भी सिटीजनशिप है और हमारे पास पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप है। मैंने आपको ये बात कही है कि हम पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास उस सूबे की शहरियत जो है वो अलग से होगी, मतलब उसकी सिटीजनशिप हमारे पास अलग से होगी और पाकिस्तान की सिटीजनशिप हमारे पास अलग से होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लॉ है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह है कि आपके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी और सिंगल सिटीजनशिप वो होगी जो कि आपके पास पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के किसी भी सूबे की अलग से सिटीजनशिप आपको नहीं दी जाएगी। अवैस आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? बच्चे अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। हो गया मैम, अब क्लियर हो गया। हाँ जी, अच्छा ये मतलब थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि यूएसए को अगर आप लोग देखो तो जिस तरह उसके नाम से ही मेंशन होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स हैं बच्चों, ठीक है। तो अब यूएसए में ये लॉ है कि हर स्टेट के जो सिटीजन है उनके पास एक तो उनकी अपनी स्टेट की सिटीजनशिप है, जहां मतलब जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, इसके अलावा उनके पास जो है वो यूएसए की सिटीजनशिप है, मतलब उनके पास दो सिटीजनशिप्स हैं, एक उनकी अपनी स्टेट की मतलब जिस इलाके में वो रह रहे हैं, और इसके अलावा यूएसए की ओवरऑल मतलब उनकी कंट्री की सिटीजनशिप है। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के जिस इलाके में भी चले जाए, हमारे पास उस इलाके की सिटीजनशिप नहीं होगी, हमारे पास जस्ट पाकिस्तान की सिटीजनशिप होगी। इसके अलावा ये तो होता है ना कि पाकिस्तान के शहरी मतलब हम मतलब जो हम लोग हैं, तो हम लोग अगर अमेरिका चले जाते हैं या कैनेडा या इंग्लैंड, जहाँ पे भी, यूके में जहाँ पे भी हम लोग चले जाते हैं, तो कुछ हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास वहाँ की सिटीजनशिप आ जाती है, मतलब कहीं पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, कहीं पे डिफरेंट मतलब जो प्रोसीजर होता है उस स्टेट का, मतलब वो वहाँ के भी शहरी बन जाते हैं, यहाँ के भी होते हैं। तो ये और टर्म में है, मतलब ये बिटवीन टू स्टेट्स आ जाते हैं, टू कंट्रीज आ जाते हैं। हम लोग विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं कि आप लोग अपने मुल्क में रहते हो तो आप लोग जिस सूबे में भी रहते हो वहां पे आपकी सिटीजनशिप नहीं वहां की आपको दी जाएगी, ये लॉ ही नहीं है हमारा, आपके पास जस्ट पाकिस्तान की सिटीजनशिप होगी। हाँ जी मालवा बोले। मैम इसका कोई बेनिफिट है अगर हमारे पास हमारे सूबे की सिटीजनशिप हो? नहीं, हो ही नहीं सकती ना, लॉ ही नहीं है। मैम मतलब जिनके पास है उन्हें कौन सा क्या बेनिफिट है? वो फिर उनके अपने स्टेट के मतलब उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, तो वो उनके अपने हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि हमारे मतलब हर प्रोविंस की अलग से सिटीजनशिप हो। ओके मैम, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फीचर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में बच्चों ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब किसी भी बंदे से उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीने नहीं जा सकते। ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर लॉ, पाकिस्तान के जो तमाम शहरी हैं वो जस्ट लॉ के आगे, कानून के आगे बराबर है, इक्वल है। किसी भी सिटीजन को उसके मतलब क्लास की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से इंफीरियर या सुपीरियर जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, तमाम लोग जो है वो लॉ के आगे इक्वल है, बराबर है। क्लियर? यस मैम। मैम ये मैम ये दो तो सेम पॉइंट्स नहीं बन जाते फंडामेंटल राइट और रूल ऑफ लॉ? नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स में तो राइट्स का कहा गया था ना कि राइट्स आपको तमाम को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब रूल ऑफ लॉ में बच्चों ये है, वैसे तो बस ये कॉन्स्टिट्यूशन तक मतलब पेपर्स तक ही है, मतलब प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया,
जिसमें मतलब अब रिसेंटली आप लोगों ने इस्लामाबाद में शायद अगर आप लोगों ने देखा हो न्यूज में सुना हो तो हमारी एक पॉलिटिशियन के बेटे से जो एक्सीडेंट हुआ है, तो अब अगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता तो मतलब पूरा पूरा प्रोसीजर जो था वो फॉलो होना था और ड्राइवर की मतलब गलती नहीं समझी जानी थी या इस तरह नहीं होना था और भी इस तरह मतलब बहुत सारी पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी से गलती कोई हो जाती है चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है तो उसे मतलब बराबर की सजा मिलेगी। रूल ऑफ लॉ जो है वो ये है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पॉलिटिशियन का बच्चा है, ये किसी एलीट क्लास से बिलोंग करता है, तो ये नहीं देखा जाएगा। तमाम लोगों के लिए लॉज जो है वो इक्वल होंगे, पनिशमेंट जो है वो इक्वल होगी। ओके क्लास, अवर लास्ट पॉइंट इज रेफरेंडम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 19, पहले तो आप सॉरी मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि आपको रेफरेंडम का पता है कि रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम बच्चों ये होता है कि मतलब कोई भी क्लास एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा तो मैं आपको रेफरेंडम का बता रही थी। रेफरेंडम बच्चों ये होता है कि इसमें मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट इशू होता है, ठीक है, वो अवाम के सामने रख दिया जाता है, मतलब जो आम लोग होते हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के सामने या किसी भी स्टेट के जो सिटीजन होते हैं उनके सामने रख दिया जाता है कि ये उनके सामने क्वेश्चन दिया जाता है और उनसे फिर उनकी राय ली जाती है, मतलब पब्लिक ओपिनियन जो है वो ली जाती है कि लोगों की इसके बारे में क्या राय है, तो इसे हम रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है, आपको रेफरेंडम की समझ आई है? यस मैम। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी भी नेशनल इशू पे मतलब कोई भी ऐसा इशू हो जाता है किसी लॉ के बारे में, ये वैसे डिफरेंट नेशनल मैटर्स होते हैं तो उनके बारे में मतलब वो रेफरेंडम करवा सकता था, करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब वो पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर किसी नेशनल इशू के बारे में पब्लिक ओपिनियन लेनी है, रेफरेंडम करवाना है, तो वो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेगा कि इसके बारे में रेफरेंडम करवाया जाए, इस इशू के बारे में पब्लिक ओपिनियन ली जाए। हाँ जी बच्चों समझ आई? दूसरी बात ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी नेशनल इशू के बारे में रेफरेंडम करवाना है तो उसके पास उसे मतलब डायरेक्ट ये अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप रेफरेंडम करवा सकते हो, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहे कि वो इसके बारे में रेफरेंडम करवाए, खुद से वो डायरेक्टली रेफरेंडम नहीं करवा सकता। ओके मैम। ओके क्लियर मैम। रेफरेंडम मैम। हाँ जी हाँ जी बोले शाज पीटर मैम। रेफरेंडम की डेफिनेशन एक दफा दोबारा बता दें। रेफरेंडम की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में समझाया है और वो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी मैटर मतलब जिस तरह अगर कोई न्यू लॉ बनाना है, ठीक है, या लॉ के बारे में आप छोड़ें, मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल देती हूँ। कश्मीर इशू को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अब कश्मीर इशू जो है वो बिटवीन टू स्टेट्स है, मतलब दो स्टेट्स के दरमियान वो मसला है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब इस मसले को यूएनओ में लेके गए थे, यूनाइटेड नेशंस में लेके गए थे, तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था वो ये था कि कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाए। अब यहाँ पे मैं आपको रेफरेंडम बताती हूँ कि रेफरेंडम होता क्या है। इसमें ये होता है कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाए मतलब कि वो किसे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहना चाहते हैं। अब इसमें मतलब एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, कश्मीर के लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब उसके बाद मतलब कश्मीर के लोगों की मेजोरिटी जो है वो जिस साइड पे फेवर करेगी कि अगर वो पाकिस्तान को करना चाहते हैं ज्वाइन, अगर वो इस बात को सपोर्ट करेंगे मेजोरिटी, या इस बात को सपोर्ट करती है मेजोरिटी कि हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, या मेजोरिटी की ये ओपिनियन होती है कि हम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट हम रहना चाहते हैं, हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाएगा, ये रेफरेंडम होता है। हाँ जी बच्चों
कोई और प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में, कोई और मसला जो आपको ना समझ आया, कोई बात? नो मैम, नो मैम. चले चले ठीक है, अब इसका मतलब हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे खत्म हो गए. ठीक है, और मैंने आपके ऊपर से भी 15 मिनट सब ले लिए, तो चले एंजॉय करें आप लोग, 15 मिनट आपके पास है, फिर सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. Okay, लाफिज बच्चों, लाफिज मैम.